नमस्कार मित्रों, फिर से हम अपने वीडियो पे आप चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे शादी। जी हाँ, शादी हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव होता है। हर कोई अपनी शादी के पल का इंतज़ार करता रहता है, भले किसी की शादी का क्रेज कम या ज़्यादा हो सकता है। शादी जीवन भर का बंधन है और कोई भी शादी के बंधन में या सोचकर नहीं बनता कि उसकी ज़िंदगी शादी के बाद ख़राब हो जाएगी। इसलिए जीवन साथी चुनने में मित्रों, हमें चाणक्य की नीति हमेशा अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चाणक्य नीति हर मामले में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है मित्रों, और चाणक्य ने जीवन साथी चुनने के संबंध में भी कई बातें बताई है। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ बातें के बारे में। सौंदर्य नहीं बुद्धि को प्राथमिकता दे। आजकल ज़्यादा पुरुष सोचते हैं कि वह किसी खूबसूरत लड़की से ही शादी करेंगे, हालांकि वह इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि बाहरी सुंदरता दिमाग और समझ से कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए आप पूरी तरह से गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए आप लड़की की आंतरिक सौंदर्य को देखें, बाहरी सौंदर्य को ना देखें। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई महिला बाहर से बहुत खूबसूरत हो लेकिन दिमाग से कमज़ोर हो तो पुरुषों को ऐसी महिलाओं से शादी कदापि नहीं करना चाहिए। आंतरिक सौंदर्य की प्राथमिकता दें। अगर कोई महिला बहुत ही कठोर व जिद्दी है तो चाहे वह बला की खूबसूरत हो, उसे शादी नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक ऐसी महिलाएँ अपने इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति को धोखा भी दे सकती है। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी महिला को झूठ बोलने की आदत है तो वह अपनी इस आदत से पति के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगी। फलस्वरूप कई बार वह परिवार वालों के बीच में फूट पैदा कर सकती है। इसलिए ऐसी भी महिलाओं से शादी कदापि ना करें। बुरा स्वभाव। चाणक्य नीति के मुताबिक अगर किसी खूबसूरत महिला का स्वभाव बुरा हो तो उसके पति के साथ उसका रिश्ता केवल दुखदायी ही साबित होगा। इसलिए किसी भी ऐसे बुरे स्वभाव की महिला से शादी कदापि न करें मित्रों। चाणक्य की ये बात हमेशा ही याद रखें। चाणक्य नीति कहती है कि किसी भी शख्स को ऐसी महिला से शादी नहीं करना चाहिए जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब हो, या फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत हो। चाणक्य के मुताबिक खराब खानदान से आने वाले लड़कियाँ घर संवारने के बजाय घर को तोड़ देती है। धोखेबाजी। कोई महिला जो अपने परिजनों के साथ धोखा कर सकती है, वह अपने पति के साथ भी ऐसा कर सकती है। वह बाद में समय में अपने पति को भी धोखा दे सकती है मित्रों। इसलिए बहुत ही संयोग हो जाए। इसलिए चाणक्य नीति के मुताबिक ऐसी महिलाओं से भी हमें शादी नहीं करना चाहिए। आज के समय में चाणक्य की यह नीति पर बहस हो सकती है, लेकिन चाणक्य को लगता था कि एक महिला को घर गृहस्थी के सभी कामों में पारंगत होना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक अगर कोई महिला घर के काम करना नहीं जानती है तो उसे भी शादी नहीं करना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक अगर कोई महिला धार्मिक नहीं है तो उसे भी किसी पुरुष को शादी नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हर महिला को कुछ दिन उपवास रखना चाहिए और साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा पाठ पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसा नहीं करे तो फिर उससे भी शादी आप कदापि ना करें। तो आज के समय में हम देख रहे हैं चाणक्य की यह जो नीति है काफ़ी ही लागू हो रही है और काफ़ी ही प्रासंगिक है। तो मित्र, हमें चाणक्य की ये सब नीतियों पे हमें ध्यान देना होगा, तभी हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा भी हमें चुने, जब भी अपने जीवन साथी को चुने तो इन बातों को कृपया ध्यान दिए करें, पक्का ध्यान दें। शादी के लिए जीवन शक्ति का चुनाव व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है मित्रों। सनातन परंपरा से ही शादी का बंधन एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। शादी के लिए सही पार्टनर का चुनाव न केवल 2 लोगों की खुशियों का कारण बनता है बल्कि वह 2 परिवार में खुशियाँ लाने का भी कारण बनता है। आचार्य चाणक्य ने शादी के लिए इसलिए सही पार्टनर को ही चुनने का प्रश्रय दिया है। उन्होंने कहा है कि हमेशा सही पार्टनर की चयन करें, गोत्र की भी कर ले जांच। विवाह के पहले जीवन साथी का गोत्र जान लेना चाहिए, इसलिए विवाह में गोत्र मिलाने का परंपरा का भी आधार इसी कारण से है।
जीवन साथी के बैकग्राउंड भी जाने कि वो किस खानदान से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक, सामाजिक और ख़ानदान की जानकारी प्राप्त कर लेने चाहिए। और रिश्ता हमेशा बराबर बालों के बीच होनी चाहिए। अगर आपके स्तर के जीवन साथी का स्तर कम है तो विवाह के बाद कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और बार बार मित्रों चाणक्य ने कहा है, सुंदरता को कदापि नहीं उसके गुण को महत्व दे। सिर्फ चेहरे की सुंदरता देखकर लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। बौद्धिक रूप से सुंदर गुणवान कन्या को जीवन संगिनी बनाना सुखकारी और कल्याणकारी होता है। चाणक्य नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कभी भी अपना जीवन साथी कदापि न चुने। मित्रों इन चीज़ों पर भी रखें ध्यान। जिस घर में स्त्री देर तक सोती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए देर तक सोने वाली और आलसी लड़की से विवाह सोच समझ कर करना चाहिए। कट्टु और कर्कश कन्या वह जिस परिवार में आती है उस परिवार में खाली अशांति ही अशांति को जन्म देती है। मीठा और मधुर स्वर में बोलने वाली कन्या परिवार के लिए सुख और सौभाग्य लेकर आती है। इनका वैवाहिक जीवन आमतौर पर स्वस्थ और सुखमय रहता है। तो मित्रों आपने देखा चाणक्य की ये नीतियाँ जो है आज भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हाँ कई लोग इस पर लागू भी कर रहे हैं। तो आप भी इन पर ध्यान दें और जीवन साथी का चुनाव अपने सोच समझ कर करें। केवल बाहरी सुंदरता ना देखें, उसके आंतरिक मन की सुंदरता को भी देखा करें। उम्मीद है मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो ज़रा भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।